गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसके प्रकार। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हेन आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस विद इन द मॉलिक्यूल, दीज आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब यौगिकों के ना केवल आणविक सूत्र समान हो, उनकी संरचना समान हो और यहाँ तक कि जो बॉन्ड की कनेक्टिविटी है यानी कि अणु परमाणुओं की जो स्थिति है वो भी समान हो, लेकिन उसके बावजूद जो उनका स्पेस में अरेंजमेंट है जिसे हम कहते हैं 3D आकाशीय व्यवस्था या 3D स्पेशल अरेंजमेंट, अगर उसमें डिफरेंस हो, उसके कारण उन यौगिकों की गुणों में भी, उनके भौतिक गुणों में या उनके रासायनिक गुणों में भी अंतर आ जाता है और इस तरह की समावयवता को हम कहते हैं त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जैसा कि कल अपने पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस तरह से हमने कैटेगराइज़ किया था आइसोमेरिज्म को, समावयवता को, तो वहाँ हमने देखा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो भागों में बांटा था। एक थी उसमें कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी थी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसका मतलब हुआ विन्यासी समावयवता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या संरूपण समावयवता। ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये कैसे हम समझ सकते हैं इसको कि ये आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं होते, ये जो आइसोमर्स हैं ये आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं होते या फिर बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन के द्वारा हम इनको एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है या जो संरूपण समावयवता है, इसे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन के द्वारा हम एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट या ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को समझ सकती हैं, यानी कि विन्यासी और संरूपण समावयवता। ये जो विन्यासी समावयवता है, इसे भी फर्दर दो भागों में हम इसको बांटते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये समावयवता, जैसे हमने दो तरह से पहले इसको क्लासिफाई किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम अपने लास्ट लेक्चर में कम्प्लीटली देख चुके थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ये हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया, विन्यासी और संरूपण समावयवता। अब इस विन्यासी समावयवता को भी, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी हमने दो में डिफ्रेंशिएट किया है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। तो बात करते हैं अब ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्यामितीय समावयवता को जानने से पहले हम थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे यदि कोई दो कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों, तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे दो कार्डबोर्ड्स को हमने एक कील के द्वारा कनेक्ट किया। तो अब एक कार्डबोर्ड को स्थिर रखते हुए हम दूसरे को आसानी से उस कील के अलोंग घुमा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है और इसे हम कहते हैं मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन। लेकिन यदि इन दोनों कार्डबोर्ड्स के अंदर जो हमने एक कील डाली है, बजाय उसके यदि हम दो कील डालें, दो कील से हम दोनों कार्डबोर्ड को जोड़ दें और फिर हम घुमाना चाहें एक के रिस्पेक्टिवली दूसरे कार्डबोर्ड को, दूसरे गत्ते को, तो हम देखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो हम एक कार्बन के रिस्पेक्टिवली दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की वजह से जो
कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल था वो अब ब्लॉक हो गया, प्रतिबंधित हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, और इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है, और इसीलिए इसके दो विन्यास जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, जिसे सामान्यतः हम सब सिस और ट्रांस कहते हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हालांकि इसके नॉमेनक्लेचर की ये सिर्फ एक ही पद्धति नहीं है, हम आगे और भी देखेंगे सिस ट्रांस के अलावा ईजेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम और साथ ही सिन एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम, लेकिन कॉमन रूप से ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के रूप में जानी जाती है। तो इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ देख रहे हैं मैलेइक एसिड और फ्यूमैरिक एसिड। मैलेइक एसिड कैसे हम पहचानेंगे, चार कार्बन वाला ये एक अनसैचुरेटेड एसिड है जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड पर हैं, तो इसे हम कहते हैं मैलेइक एसिड। जबकि इसका जो दूसरा आइसोमर है इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये भी वही चार कार्बन वाला अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं ब्यूटीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डाइऑइक एसिड। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सेम संरचना है, सेम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, सेम सभी एटम्स की लोकेशंस हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है एक दूसरे के रिलेटिवली या डबल बॉन्ड के, उधर हम देखें तो इनमें वेरिएशन है। मैलेइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों सेम साइड पर हैं, जबकि फ्यूमैरिक में हम देख रहे हैं कि ये अपोजिट साइड्स पे हैं। तो इस तरह से मैलेइक जो है वो सिस आइसोमर हुआ, जबकि जो फ्यूमैरिक है अपोजिट साइड पे होने की वजह से ये ट्रांस आइसोमर हुआ। इसी तरह से है सिस और ट्रांस के अनदर एग्जांपल हम ले रहे हैं सिट्राकोनाइट एसिड और मेज़ाकोनिक एसिड। यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम साइड पर हैं, ये सिस आइसोमर है, जबकि अपोजिट साइड पर हैं ट्रांस आइसोमर है। इसी तरह से हम सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर हैं तो इसे हम सिस ब्यूटीन 2 कह रहे हैं, और दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पर हो गए तो इसे हमने ट्रांस ब्यूटीन 2 कहा। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो कार्बन से जुड़ी हुई दोनों वैलेंसी है या जो दो ग्रुप्स हैं वो समान नहीं होने चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सिमिलर एटम्स हैं, जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ AA, इसी तरह से सेकंड कार्बन में भी हम देख रहे हैं दोनों A जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केसेस में हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को नहीं डिटरमाइन कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड्स जो ये प्रदर्शित करते हैं उनके गुणों में भी भिन्नता आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनके डाइपोल मोमेंट में अंतर आ जाता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है, और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आधार बनाते हुए हम निर्धारित कर सकते हैं कि इस आइसोमेरिज्म का कौन सा विन्यास है, ये सिस है या ट्रांस है। कैसे पहचानते हैं हम आगे देखेंगे इसको। यहाँ हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं, ये हमने एक कंपाउंड लिया है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसमें ये जो रेड बॉल है, ये फर्स्ट कंपाउंड हम देख रहे हैं, ये जो रेड बॉल है ये कार्बन को इंडिकेट करती है। बॉल और स्प्रिंग मॉडल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों जो रेड बॉल्स हैं ये कार्बन हैं, जो लाइट ब्राउन कलर की हमको यहाँ पर दिख रही है क्रीम से कलर की, ये है हाइड्रोजन, और जो ये लार्जेस्ट बॉल्स हैं ग्रीन कलर में, ये हैं, इनको हम हैलोजन या क्लोरीन हम इनको मान सकते हैं। तो इस तरह से CH2Cl
CH2Cl ये एक कंपाउंड है, इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा, और इसलिए उस रोटेशन के द्वारा हम एक रूप को, एक विन्यास को दूसरे में चेंज कर सकते हैं, बदल सकती हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये कॉन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगी, या हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये विन्यासी समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन यदि हम दूसरे कंपाउंड्स को देखें यहाँ पर, जैसे इस कंपाउंड को जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को फ्री रोटेशन के द्वारा, यानी कि हमने इस बॉल को, कार्बन वाली जो बॉल है, इसको घुमाना शुरू किया, और घुमाना शुरू करते ही क्या होगा, तो घुमाना शुरू करते ही क्या हुआ, ये जो कंपाउंड था ये जिसे हमने घुमाया, वापस हम उसको दूसरी फॉर्म में ले आए। तो यहाँ हम देख रहे थे दोनों हैलोजन अपोजिट साइड में हैं, जबकि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दोनों सेम साइड पे आए, ये दोनों हैलोजन जो अपोजिट साइड पे थे, इसको हमने कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन के द्वारा सेम साइड पे हम इसको ले आए, लेकिन उसके बावजूद ये विन्यासी समावयवता नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस समय कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन यदि हम देखें, यदि हम यहाँ पर देखें, डबल बॉन्ड जैसे ही आया तो अब कंपाउंड में क्या होगा, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब हम फ्री रोटेशन के द्वारा इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को, जिसमें कि दोनों अपोजिट साइड पे हैं, इसको हम सेम साइड पर फ्री रोटेशन के द्वारा नहीं ला सकते, और अब परमानेंटली ये यौगिक दोनों तरह के विन्यास प्रदर्शित करेगा। इसमें से एक होगा जिसमें दोनों हैलोजन्स अपोजिट साइड पे होंगे, जिसे हम कहेंगे ट्रांस, और दूसरा जिसमें दोनों हैलोजन्स सेम साइड पर होंगे, जिसे हम कहेंगे सिस आइसोमर। तो इस तरह से ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर ये हम ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यानी कि ब्यूट टू इन या टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और इसमें ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक CH3 ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, दोनों सेम साइड पे हैं, ये सिस आइसोमेरिज्म है। जबकि इधर हम देख रहे हैं कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं ये कैसे हो गए, ऑपोजिट कंट्रास्ट साइड पे चले गए, तो ये क्या हुआ, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, आते हैं अब समझने की कोशिश करते हैं कुछ कंपाउंड्स के द्वारा, कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इनको। जैसे ये फर्स्ट हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये अपोजिट साइड पे हैं, या जो दोनों इथाइल ग्रुप्स हैं ये अपोजिट साइड पे हैं, यानी कि ये जो आइसोमर है ये कौन सा हुआ, ट्रांस आइसोमर, जस्ट जिसकी अभी हमने बात की थी ब्यूटूइन, उसी का ये ट्रांस आइसोमर है। सेकंड लेते हैं, ये सिस टू ब्यूटीन हुआ, क्योंकि दोनों इथाइल ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर सेम साइड में हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं, ये एक एग्जांपल, इसमें क्या है, उसी का ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हमने नेक्स्ट कंपाउंड लिया है, तो यहाँ पर क्या है, इसको अब हम क्या कहें, सिस माने कि ट्रांस माने, तो हमें सेम ग्रुप्स को देखना होगा कि इस डबल बॉन्ड के अलोंग इधर भी इथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप इधर भी है, यानी कि सेम साइड पर इथाइल ग्रुप होने के कारण हम इसे सिस आइसोमर मानेंगे। अब यहाँ यदि हम बात करें तो इस कंपाउंड को हम कौन सा आइसोमर माने, सिस माने या ट्रांस, तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर कार्बन से जुड़ी हुई दोनों जो वैलेंसी हैं अगर वो सेम एटम के द्वारा सैचुरेट हैं या सेम सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा सैचुरेट हो रही हैं, तो हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है या आइसोमर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस कंपाउंड के लिए हम ना तो ये कह सकते हैं कि ये सिस है और ना ही ट्रांस। थैंक यू।